नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मित्रों, आज हम सूर्य के बारे में बात करेंगे, अर्थात एक मूलांक के बारे में बात करेंगे। किसी भी महीने की 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को पैदा हुए लोगों का एक मूलांक होता है। यह मूलांक सूर्य की ऊर्जाओं का प्रतीक है। कहा जाता है जिन जातकों का एक मूलांक होता है उनका आत्मविश्वास अच्छा होता है, उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता पाई जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई बार ये मूलांक होने के बाद इन चीजों में कमी पाई जाती है। एक मूलांक तो है लेकिन दृढ़ संकल्प शक्ति और नेतृत्व पावर उतना अच्छा नहीं है। आप जाकर देखेंगे आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर होगा। ऐसे जातकों के लिए भी लास्ट में हम कुछ रेमेडी बताएंगे, कलर भी बताएंगे। लेकिन यहां पर हम सूर्य के उन प्रबल गुणों के बारे में चर्चा करेंगे जो एक मूलांक में पाए जाते हैं। एक मूलांक का आदमी स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि इनको वायरल बीमारियां नहीं होती है, हड्डियों की बीमारी होती है, जोड़ों में इनको दिक्कत होती है, हार्ट की समस्या होती है, लेकिन वायरल समस्या कम पाई जाती है। कारण यह है कि सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य में सबसे ज्यादा तेज होता है। सूर्य के इसी प्रबल गुण के कारण इनके आसपास का जो माहौल होता है इनके प्रति आसानी से दो भागों में बढ़ जाता है, एक सम्मान के भाव में, एक जेलस के भाव में। जो लोग समांतर होते हैं उनके अंदर जेलस की भावना देखी जाती है और जो इनसे जरा सा भी नीचे होते हैं वो इनके प्रति आदर भाव एवं इनके आदेश को मानने वाले भाव में परिवर्तित हो जाते हैं। इनका आत्मविश्वास और तेज कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि इनके जो लाइफ पार्टनर हैं उनको इस चीज से तकलीफ होने लगती है। इनका सामाजिक स्तर बढ़ जाता है जिसके कारण से परिवार के सदस्यों को लगता है कि एक अच्छे पति या पिता नहीं है। इस स्थिति में पति पत्नी के बीच में प्रेम तो होता है लेकिन एक गहरी प्रगाढ़ता नहीं पाई जाती है। इस नाते सूर्य प्रभावित आदमी अपने समाज या कामों में जितना अच्छा महसूस करता है उतना वह अपने परिवार में नहीं कर पाता है। परिवार के बीच में रहने के बाद भी उसका मन और मस्तिष्क दूसरी चीजों में चला जाता है। चरित्र के संबंध में एक मूलांक की बात की जाए तो इनमें अक्सर दृढ़ता पाई जाती है। कुंडली में अगर सूर्य कमजोर होता है तो चरित्रहीनता के कुछ लक्षण देखे जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका चरित्र मजबूत होता है। लेकिन अगर वैचारिक मतभेद की बात की जाए तो यहां तक इनकी पत्नी से लेकर बच्चे तक में भी इनके प्रति वैचारिक मतभेद रहता है। ये सोशल नंबर है, समाज में रहने वाला नंबर है, राजनीति का क्षेत्र हो या बड़ी सरकारी नौकरी का क्षेत्र हो, ये हर जगह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनकी भाषा में अधिकारात्मक बोधन होता है। ये मैं शब्द कम प्रयोग करके हम शब्द का प्रयोग ज्यादा करते हैं। इनके अपमान का बदला प्रकृति स्वयं लेती है अगर ये ईमानदार हो तो। अगर इनसे कोई गलती होती है और उसको ये नहीं स्वीकारते हैं तो परमात्मा भी इनको जरूर दंड देता है और वो समस्या इनको भोगनी ही पड़ती है। ऐसे तो एक मूलांक का जातक गलती नहीं करना चाहता क्योंकि ना यह झुकना चाहता है ना गलती करना चाहता है। लेकिन कभी कभी जब सूर्य मंगल या मंगल से ज्यादा प्रभावित हो या शनि से खराब होता है इनमें अजीब सा चिड़चिड़ापन भी देखा जाता है। याददाश्त के परिपेक्ष में अच्छे होते हैं, किसी भी कार्य को पूरा करना चाहते हैं, किसी भी चीज को व्यवस्थित देखना चाहते हैं, अपने से नीचे के लोगों का पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन
कार की गुणवत्ता में कोई भी समझौता नहीं चाहते हैं। खुद भी काम अच्छा करना चाहते हैं, सामने वाले से भी कार्य अच्छा चाहते हैं। एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस होता है, समाज से थोड़ा अलग दिखना, चीजें इनकी व्यवस्थित होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कौन सा रंग इनको सूट करेगा। सूर्य का रंग ऑरेंज है, बृहस्पति से इनकी मित्रता है पीला रंग, व्हाइट कलर के कपड़े भी ये पहन सकते हैं। इन रंगों में इनके अंदर शुभता का विकास होगा। वहीं पर मटमैले कलर, काला कलर, नीला कलर इनके लिए शुभ नहीं होगा। यह अपनी गाड़ी या कपड़े या कलर, इन चीजों में अगर ध्यान दें कि इनके अंक की प्रबलता और बढ़ सकती है। मैंने यहां तक देखा है कि जिनका सूर्य अंक प्रभावित होता है उनके लिए शनिवार शुक्रवार उतना अच्छा नहीं जाता जितना सोमवार रविवार या बुधवार या बृहस्पतिवार जाता है। सुबह उठना, सूर्य को जल देना इनके लिए परम आवश्यक है। ये दो क्रियाएं अगर ये करते रहे इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, साथ में समाज में इनका महत्व बना रहता है। एक संक्षिप्त चर्चा यहाँ पर हमने आज की एक मूलांक के बारे में। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो दिए नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने संबंधियों को शेयर करें। धन्यवाद। फिर राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूले। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।